अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं MALK यानी मैरी एडलैंड लेप्रोसी सेंटर पे। अभी हम अंदर जाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि मैरी एडलैंड लेप्रोसी सेंटर क्या है, लेप्रोसी क्या है, वहाँ पे मरीज दिखाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको लेप्रोसी के बारे में समझ आए। शुक्रिया। आप सबको जो है यहाँ पे वेलकम है, खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जितनी देर आप माशाल्लाह यहाँ पे रहेंगे बहुत सारी यार चीज़ें सीख सकेंगे। लेप्रोसी जो है वो वाकई कहना चाहिए कि बड़ा यूनिक सा एक सब्जेक्ट है। मैं हमेशा कहता हूँ आम तौर पर जो लेप्रोसी का लेक्चर है वो ज़्यादा जगह पे शायद आपको मिलता नहीं है, तो आज जो है वो मौका है कि काफ़ी चीज़ें हम सीख सकें, क्योंकि लेप्रोसी शायद नहीं बल्कि कहना चाहिए कि यकीनन हम ही लोग यहाँ पे ज़्यादा डील कर रहे हैं, तो और किसी सेटअप में तो है नहीं है कराची में। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है आज आप सीख सकें। चले, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली तो आपको पता है कि लेप्रोसी है। लेप्रोसी यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, लेप्रोसी ए फॉरगॉटन डिजीज, इसका मतलब ये हुआ कि लेप्रोसी को हम भूले हुए हैं। आप में से कितने लोगों ने लेप्रोसी पेशेंट देखा? कभी देखा ही नहीं। और ये सच बात है कि लेप्रोसी जो है वो है भी कम, और इसलिए हमारे इर्द गिर्द मरीज नजर भी नहीं आते। तो आज अच्छा मौका है कि इस भूली हुई चीजों को हम थोड़ा सा जो है वो रिवाइज कर लें। चलें आगे बढ़ते हैं। अगर आप वो बर्ड की सिचुएशन देखें तो ये हमें नजर आती है कि ये जो ग्रीन पोर्शन है यहां सबसे ज्यादा केसेस जो है हमें नजर आते हैं। ये जो ग्रीन पोर्शन है इसमें आपको पता है कि पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और ये सारे वो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं, और इन कंट्रीज में लेप्रोसी सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद साउथ अमेरिका है और उसमें ब्राजील है जहां लेप्रोसी जो है वो थर्ड नंबर पे है। उसके बाद जो लेप्रोसी केसेस हमें मिलते हैं वो इंडोनेशिया में है थर्ड नंबर पे, अगर कंट्री वाइज देखें। लेकिन अब रीजन वाइज देखते हैं तो यहाँ हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ सबसे ज्यादा लेप्रोसी के केसेस हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कम केसेस जो है वो ईस्टर्न मेडिटेरियन, ठीक है, जिसमें आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह पाए जाते हैं, यहाँ केसेस सबसे कम है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, मतलब ये परसेंटेज जो बनाई हुई है वो कहाँ से बना ली है, कितने नंबर हैं दुनिया में। तो तकरीबन पूरी दुनिया में जो केसेस हैं 1.5 लाख के करीब है, ज्यादा है 1.5 लाख के केसेस कराची में नहीं पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में 1.5 लाख के करीब केसेस हैं। आप क्या समझे ज्यादा केसेस जी? ना होने के बराबर है, क्योंकि 8 अरब में जो है वो 1,50,000 तो ना होने के बराबर है, तो केसेस की तादाद तो बहुत ही कम है। 160 ममालिक ऐसे हैं जहां लेप्रोसी कम या ज्यादा पाई जाती है, और नंबर 1 पे जैसे हमने रखा इंडिया जो है वो टॉप पे है, फिर उसके बाद ब्राजील है और फिर इंडोनेशिया है। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का नंबर आप कौन सा रखना चाहते हैं? आपके ख्याल में पाकिस्तान का नंबर कौन सा होना चाहिए जी? 8वां नंबर जो है वो पाकिस्तान का हो सकता है। तो पाकिस्तान का नंबर जो है वो अगर 100 के बाद भी लें तो फिर भी नहीं आता। तो पाकिस्तान वो एरिया है, खिता है जहां अब हम लोग यहां पे पहुंच चुके हैं, अब यहां पे है ही नहीं। जियोग्राफिकली तो हम यहां से नहीं चेंज कर सकते, वी कांट चेंज जियोग्राफिया। एपिडेमियोलॉजिकली जो है हम लोग नाउ वी आर सेटल ओवर हियर, अब हमें WHO ने यहां पे रख दिया है जहां केसेस की तादाद ना होने के बराबर है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि पाकिस्तान वो खिता है जहां अब केसेस की तादाद लेप्रोसी जजाम या कोड के मरीज जो है वो बहुत ही कम नंबर में है। क्या ख्याल है? इसी से तो यही जाहिर होता है ना स्टैटिस्टिक से। तो अभी मैं आपके सामने आगे जब बात करूंगा तो फिर और वाजह होती है। तो पाकिस्तान में जो लेप्रोसी वर्क स्टार्ट हुआ वो 1956 में स्टार्ट हुआ। अच्छा, सर ये सवाल पैदा होता है, आपको पता है कि डॉक्टर हैनीमैन ने जो होम्योपैथिक स्टार्ट की वो तो कुछ
मेरा ख्याल 17 समथिंग, तो 17 में स्टार्ट की थी, क्या ख्याल है? तो इसका मतलब उसके असरात तो यहाँ भी पहुंचे होंगे, हमारे खत्ते में भी है, तो आल्दो ही बस जर्मन जर्मन, लेकिन उसके असरात तो यहाँ भी पहुंचे होंगे कि उसने अपनी कुछ ना कुछ अपने स्टूडेंट अपने यहाँ भी भेजे होंगे या बन गए होंगे, जिस तरह आजकल माशाल्लाह आप लोग बन रहे हैं, ऐसा है ना? फिर इसी तरह जो एलोपैथिक है, यहाँ तो पहले से एलोपैथिक काम कर रहे हैं, को ट्रीट करना चाहिए, इसका इलाज करना चाहिए। वैसे एज ए डॉक्टर आपकी क्या राय है कि 1956 में क्यों किया उन्होंने, इतनी देर से डॉक्टर हैं, हकीम है, होम्योपैथिक है, सब कुछ था, ये क्या वजह हो सकती है इनका इलाज जो है वो 1956 में स्टार्ट किया? सॉरी, कैसे ज्यादा होंगे इसलिए उन्होंने कहा कि यार काम हो जाए फिर करेंगे। ठीक है, ये भी एक वजह हो सकती है, और क्या वजह आपके ख्याल में हो सकती है? ठीक है, एक रीजन हो सकती है बस जी, और क्या रीजन आपके ख्याल में हो सकती है कि 1956 में ही क्यों लेप्रसी जो है एज ए डॉक्टर आपके ख्याल में स्टार्ट हो, जबकि इलाज करने वाले तो मौजूद थे? ट्रीटमेंट नहीं है, हाँ चलें, ये एक वजह ये भी हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए लेप्रसी के साथ सबसे जो नेगेटिव चीज मैं जब कहता हूं तो वो है लेप्रसी स्टिग्मा, लेप्रसी से लोग नफरत करते हैं। आपको पता है कि अगर कोई पहला हॉस्पिटल बना है लेप्रसी के लिए, हॉस्पिटल तो नहीं कह सकते आप उसको, कह सकते हैं कि लेप्रोसोरियम, जहां पे मरीजों को रख दिया जाता, तो अगर वो पहला कोई बना है तो वो 1897 में बना था कराची में, यहां तक वो चीजें जो है वो लेप्रसी के साथ थी। लेकिन 1956 वो साल है जब पहली दफा हम इलाज की तरफ गए, इलाज पहले तो रखते थे मरीजों को वहां पे, बस छोड़ दिया वहां पे, वहीं जीना मरना वहीं पे, लेकिन 1956 में पहली दफा इलाज की तरफ गए, यानी पहली डिस्पेंसरी जो बनी मरीजों के लिए आप देख रहे हैं वो 1956 में बनाई। और क्यों पहले इलाज नहीं हुआ? क्योंकि लोग जजाम कोड की बीमारी से नफरत करते थे, डरते थे, और इवन डॉक्टर भी, इवन हकीम भी, इवन होम्योपैथिक भी, यार हम इसका इलाज नहीं करेंगे, ये बीमारी नहीं है, ये तो बीमारी नहीं है, तो फिर क्या है? इट्स ए कर्स ऑफ गॉड, ये खुदा की लानत है, तो हम ये लानती लोगों के पास नहीं जाएंगे, इनका इलाज नहीं करेंगे। तो इस वजह से ये लोग इलाज की तरफ ना आए। लेकिन 1956 में एक खातून जर्मन से तशरीफ लाई, तो वो भी जर्मन थी, जैसे आपके जो फाउंडर हैं होम्योपैथी के, हैनीमन है, तो ये भी जर्मन से आई थी, डॉक्टर रुथफो। तो इन्होंने पहली दफा हिम्मत की कि नहीं, हमें इनका इलाज करना चाहिए। ये लोग इस सदर जो नजर आ रहा है आपको, आप गुजर के आए हैं, यहाँ पे सड़कों में भीख मांगते थे और शाम को एक बस्ती बनाई हुई थी इन्होंने, वहां जाके सो जाते थे, यही इनका मुकद्दर था, वहीं में अपने जख्मों में अपने सारे मसाइल में जो है ये मर जाते थे वहीं पे। लेकिन 1956 में इसने एक डिस्पेंसरी बनाई कि नहीं, अभी हम इनका इलाज करने चाहिए। हालांकि डॉक्टर फाओ जो थी वो यहाँ इनका इलाज करने नहीं आई थी जर्मन से, वो तो यहाँ पे उसका स्टे था, यहाँ पे कुछ लोग थे जिनसे उनकी मुलाकात होनी थी, फिर उन्होंने इंडिया जाना था, लेकिन उन लोगों ने उनकी मुलाकात ये लेप्रसी पेशेंट से करवा दी कि हम आपको वो दिखाएं, डॉक्टर हमारे पास एक मरीज है इस तरह तो आप उनको देखें प्लीज। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मुझे अब इंडिया और जर्मन नहीं जाना, अब मुझे यहीं रहना है, इन्हीं मरीजों का इलाज करूंगी। और फिर उन्होंने अपनी जिंदगी के 50 से ज्यादा साल जो है इन मरीजों की खिदमत में गुजार दी। 2017 में इनका इंतकाल जो है वो हुआ है, डॉक्टर रुथफाओ का। उन्होंने सारी उम्र तकरीबन कहना चाहिए कि अपनी इन लेप्रसी पेशेंट की खिदमत करते हुए गुजार दी। आज अगर हम फख्र से कह रहे हैं ना
कि हमारे तो लेप्रोसी पेशेंट ना होने के बाद इट्स बिकॉज ऑफ डॉक्टर रुत्फाओ। अगर डॉक्टर रुत्फाओ को माइनस कर दे तो यकीन जाने आप भी कह रहे थे कि हमें भी मरीज रोज दो एक दो जजाम का मरीज हमें नजर आता है या हम देखते हैं इस तरह की सिचुएशन हो रही होती। तो ये डॉक्टर रुत्फाओ थी जिन्होंने हिम्मत की और आज हमारे पास लेप्रोसी ना होने के बराबर। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब वक्त वो था जब कोई इलाज करने की तैयार नहीं था। आज एक सॉरी एक बड़ा हॉस्पिटल हमारे पास है कराची के सेंटर में MALC के नाम से मारियट लेप्रोसी सेंटर, और कराची में हमारे पास 11 सेंटर है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में 157 सेंटर काम कर रहे हैं, यानी हर वो जगह जहां पे लेप्रोसी पेशेंट है वहां पे आपको सेंटर जो है मिलेगा लेप्रोसी के इलाज का मिलेगी। तो अब कोई मसला जो है वो रहा नहीं कि कोई कहे कि जी इलाज के लिए हमें किसी और जगह जाने की जरूरत है। अब ये हाल बिल्कुल नहीं है, खुदा का शुक्र है कि जगह ये क्लिनिक जो है वो बन चुके हैं। तो कोई सवाल उभरे तो प्लीज जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चले पाकिस्तान में लेप्रोसी कंट्रोल है। 1996 में लेप्रोसी को कंट्रोल कर लिया गया है। अब कंट्रोल से मुराद ये है कि अगर 10,000 की पॉपुलेशन हो और हमें एक से कम केस मिलना स्टार्ट हो जाए फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि लेप्रोसी को कंट्रोल कर लिया गया है। अब लेप्रोसी जो है वो पाकिस्तान में कंट्रोल है, तो कंट्रोल से मुराद क्या समझते हैं आप? कंट्रोल से मुराद खात्मा होता है या क्या होता है? रेशो कम हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। कंट्रोल से मुराद खात्मा नहीं है बल्कि नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो उसके अंदर जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल है खात्मा नहीं। 1956 से लेकर अब तक 2021 तक हमारे पास जो है वो 61,251 केसेस है। ये रजिस्ट्रेशन है हमारी, तो ज्यादा है ये कि कम है? क्या कहते हैं हम, ये जो हमारी रजिस्ट्रेशन है आप क्या कहते हैं, ज्यादा है या कम है? तकरीबन 60 सालों से या 60 सालों में हम लोगों ने इतने पेशेंट जो है वो क्या किए हैं, रजिस्टर्ड किए हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन जो है वो 60 सालों में इतने हुए हैं, और आपको पता ये बहुत कम है, बहुत कम है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट जो है वो 246 है। तो ये जो चीज है इसको कम करने की जरूरत है। थैंक्स गॉड के इस साल जो है वो बहुत सारी चीजें थोड़ी सी तब्दीली आई इसमें। अभी मैं देख रहा जो थर्ड क्वार्टर का जो रिपोर्ट थी उसमें अंदर तकरीबन 17% था, तो ये काफी जो है नीचे गिरा है। ठीक है, लेकिन अभी भी ये बहुत ज्यादा, इवन अगर 70% भी है तो ये ज्यादा है। इसको जो है वो कितना होना चाहिए वैसे आपके ख्याल में? ये 20% जो है डिफॉर्मिटी रेट या डिसेबिलिटी माजूरी, अगर 100 मरीज है तो 28 मरीज जो है माजूर हो जाते हैं, हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं। तो कितना आप समझते हैं कि ये ठीक है, मुनासिब है, इतना कर देगा हम? 28 से नीचे कितना कर दिया जाए क्या आपके ख्याल में बेहतरी है? जी ऐसे गेस कर सकते हैं आप, मुझे पता है कि आपको नहीं पता लेकिन यू स्टिल यू कैन गेस, इट्स नो प्रॉब्लम। आप गेस करना, गेस को कौन सा अच्छा करते हैं आप में से? 8%, चले ठीक है। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि तकरीबन अगर लेस देन 10% तक आप ले आए तो फिर अच्छा है, जीरो तो नहीं होगा, लेस देन 10% भी अच्छा। तो इसके बाद चाइल्ड रेट हमारा ज्यादा है, ये बच्चों की तादाद भी जो है 10% है, ये भी ज्यादा, इसको हमें जीरो पे लाना है, बच्चे नहीं आने चाहिए प्रोग्राम में, पेशेंट एज ए पेशेंट जो है वो बच्चों को नहीं आना चाहिए, लेकिन बच्चे भी हमारे पास जो है वो आ रहे हैं लेप्रोसी केस बन के। तो इसका मतलब है ये दो चीजें जो है हमें चेंज करने की जरूरत है लेप्रोसी में। और इसको वैसे कैसे किया जा सकता है जी?
अब वैसे अगर मैं कहूँ आपको कि यार इसके लिए कुछ स्ट्रगल करें आप, तो आप क्या करेंगे? ट्रीटमेंट कर देंगे, चलें वेरी गुड। और क्या करना चाहेंगे? कॉजेस, हाँ ठीक है सही, ये किया जा सकता है। देखिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ट्रीटमेंट, तो बाद के पहले लोग आए तो सही आपके पास, तभी ट्रीटमेंट होगी ना। ट्रीटमेंट उस वारी नहीं होती, वाकई नहीं होती, इसलिए कि नंबर ही कम है। स्टैटिस्टिक यही शो कर रहे हैं ना, हमें तो बेस स्टैटिस्टिक पे हमारा, तो ये लेप्रसी है तो पूरी दुनिया में, लेकिन सबसे कम लगने वाली बीमारी अगर हम कहते हैं तो वो क्या है? लेप्रसी, लीस्ट इंफेक्शियस। चले फिर ये कॉज है, इसकी निशान है, तो फिर मेरे पास एक एक और क्राइटेरिया, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर चाहिए होता है, और वो है कितना है? 98.6 फॉरेनहाइट की बात करते हैं, तो इस टेम्परेचर पे ये सरवाइव करता है। जनरेशन टाइम इसका 13 से 26, यानी एक से दो होने के लिए इसको 13 से 26 दिन चाहिए, ये बहुत बड़ा टाइम है। और इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 5 एंड 5 to 40 है, यानी अगर आज बैक्टीरिया की एंट्री बॉडी में हुई है तो हो सकता है कि 40 साल के बाद वो पहला निशान जाहिर करे। और सोर्स ऑफ इंफेक्शन जो है अनट्रीटेड लेप्रसी केस, अगर किसी को बीमारी लगनी है तो हमारे दरमियान एक ऐसा शख्स होना चाहिए जिसने अपना इलाज ना करवाया हो। और यहाँ देखें आप, हमारे हॉस्पिटल में सारे मरीज ऐसे हैं जिन्होंने अपना इलाज जो है वो करवा लिया हुआ, यहाँ कोई भी मरीज आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसका इलाज ना हुआ। लेकिन सवाल फिर पैदा होगा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, वो फिर आप ढूंढिएगा उनसे, ठीक है? जब आपकी मुलाकात होगी उनसे तो आप ये सवाल भी उनसे करना है कि फिर आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना? इलाज हो चुका है लेकिन वो फिर भी हॉस्पिटल में मौजूद है, ठीक है? अब देखें इस स्लाइड को, अगर आप देखें तो क्या इसके लिए कोई बहुत बड़ा होम्योपैथिक, बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट, कोई डर्माटोलॉजिस्ट या कोई, यानी कुछ भी नहीं जरूरत। लेप्रसी आम बंदा जो है वो उसको डायग्नोस कर सकता है। हम कहते हैं कि लेप्रसी के, जब किसी को लेप्रसी होती है तो सबसे पहले निशाना जो जाहिर होते हैं वो बॉडी के ऊपर धब्बे बनते हैं। वो धब्बे सुर्ख भी हो सकते हैं और सफेद भी हो सकते हैं। जब कोई सुर्ख या सफेद धब्बा आपके पास कोई लेके आ जाएगा तो वो कहेगा डॉक्टर साहब ये देखिए मेरा ये निशान है हाथ पे या चीख पे, जहां भी वो समझते हैं आपको दिखाएगा। और सवाल आपने अब उससे करना है कि ये धब्बा कब से है, ये क्यों पूछा मैंने कब से, कोई और सवाल कर लेते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? मैं सवाल करूंगा उससे, ये धब्बा कब से है भाई, क्यों ये सवाल क्यों मैं कर रहा हूं? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुझे पता है कि ये तो क्रॉनिक प्रॉब्लम है, लंबे अरसे तक चलने वाली बीमारी है। इसका मतलब है कि ये, इसको निशान बहुत देर से होगा, आया अभी, ठीक है? अगर वो कहता कि नहीं 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 डॉक्टर साहब मेरा ये निशान तो मैं रात को सोया, सुबह ये निशान था, तो फिर वो भूल जाइए लेप्रसी नहीं है, ये पहली बात। अगर मोर देन 6 वीक किसी भी बीमारी को हो जाते हैं तो हम क्रॉनिक में डाल देते हैं। तो अगर 6 हफ्ते से ज्यादा टाइम हो गया उसको तो अब आप उसको लेप्रसी कंसीडर करना है, ताकि फिर दूसरा सवाल आप कर सके। दूसरा सवाल आपका होगा क्या इसमें इचिंग है, और आपको पता है पेन है, इचिंग है, जो दूसरी बीमारियां हैं स्किन वाली उनमें इचिंग ही तो सबसे ज्यादा होती है, और ये वाहिद बीमारी होगी जिसमें इचिंग नहीं है, खारिश नहीं हो रही, तो अब आप पक्के हो गए कि ये दूसरा भी हमारा पॉजिटिव निशान निकल आया, अब मैं इसको लेप्रसी के। और तीसरा काम जो है वो आपने करना है, जहां जिस जगह ये निशान होगा उसी निशान में आपने इस तरह पेन से लगाना है और उससे पूछना है आर यू फीलिंग एनीथिंग, तो मरीज कहेगा इस निशान में तो पता ही नहीं चल रहा, लेकिन जो ही आप इधर लगाएंगे कहेगा यहां तो लगता है लेकिन इस निशान में बिल्कुल मुझे पता नहीं चल रहा, लॉस ऑफ सेंसेशन है क्योंकि नर्व इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है? अगर लॉस ऑफ सेंसेशन है तो फिर मरीज जो है वो आपने
बना देना है, उसको कह देना है कि जनाब अब इसका इलाज जो है वो दूसरी जगह होगा, ठीक है। अब अच्छा कभी कभी फिर आप मेडिसिन का कह सकते हैं, मेडिसिन ली वो कहेगा लगाने वाली खाने वाली सब कुछ करके देख लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। और कभी कभी कुछ नहीं जिस्म पे होता, हाथ और पाँव में जख्म है, हाथ और पाँव में जख्म है, अब क्या सवाल करेंगे? निशान तो कोई है नहीं है लेकिन वो आपको आपको दिखा रहा है डॉक्टर साहब देखिए ये जख्म है मेरे हाथ, ये जख्म ही नहीं जा रहा, पाँव का जख्म है ये जाते ही नहीं है, क्या करूं? वो आपसे पूछता है, अब सवाल क्या करना चाहिए आपको जी? हाँ चलें और क्या पूछ सकते हैं, कब से पूछ सकते हैं? चले ये तो हमने उसमें पूछ लिया था। अच्छा इसमें आप शुगर का भी पूछ सकते हैं, ये नहीं पूछेंगे, इसको पहले एक्सक्लूड करें ना, शुगर को निकाल लें फिर आप लेप्रसी की तरफ आ जाइए। आप इसी जगह जिस जगह निशान है सॉरी जख्म है उसके इर्द गिर्द आप लगा के देख लीजिए तो वहां पे डेफिनेटली सुनपन मिलेगा, लॉस ऑफ सेंसेशन मिलेगा। आप पक्के हैं कि जनाब अगर लेप्रसी सॉरी शुगर नहीं है तो फिर लेप्रसी है आप इसको, क्योंकि लेप्रसी में जख्म ठीक नहीं होते। क्यों नहीं होते वैसे? ठीक चलें और क्या ख्याल है, लेप्रसी में जख्म ठीक नहीं होते इसलिए ठीक नहीं होते, वो सुन है ना, एरिया लॉस ऑफ सेंसेशन है, कोई चीज लगती है उसको पता ही नहीं चलता, दर्द होता नहीं है, कहते ना दर्द होता है तो देन वी रश टुवर्ड द डॉक्टर, अदरवाइज वी हैव सो मेनी एक्सक्यूजेस, हमारे पास बहाने बहुत सारे होते हैं कि जी कल चलेंगे परसों चलेंगे। आम बंदा जो है अगर जरा सी सुई भी लग जाए उसके तो वो फौरन पकड़ के बैठ जाता है, और ये इन मरीजों के पास ऐसी कोई कहानी नहीं है, ये उसी के साथ अपना काम करते रहते हैं। तो जख्म बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा, इसीलिए इनके जख्म ठीक नहीं होते। और जख्म को चाहिए सबसे बड़ी बात रेस्ट, और रेस्ट तो है ही नहीं, काम करते रहना, तो इस लिहाज से इनके जख्म ठीक नहीं होते। वाइट है या नहीं? वाइट है लेकिन वाइट तो आपके कोट है शायद, ये वाइट नहीं है, थोड़े से पीले हैं, जो चीक पे नजर आ रहे हैं ये वाला, ठीक है ये चीक पे है और वो आम पे उसपे जो नजर आ रहा है तो ये थोड़े से पीले से निशान नजर आएंगे। इसको हमने कहा ये पॉसीबेसलरी है, यानी वो जरा लेप्रसी की किस्म जिसमें बैक्टीरिया का लोड जो है वो कम है। ये देखिए इस तरह ये मल्टी वाले होंगे, इसमें ज्यादा है, ये इंफेक्शियस टाइप आप इसको कह सकते हैं। इसमें अगर आप देखें तो इनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव निकलेगा। अच्छा कभी कभी फेस पे ये इस तरह की नजर आती है, कुछ नहीं है लेकिन फेस जो है वो टोटली डिफरेंट नजर आ रहा है आपको, ये आईब्रो जो है वो मिसिंग है, कान के किनारे लटके हुए हैं, चेहरे पे रिंकल्स है, नोज डिप्रेस है, तो ये वो कहना चाहिए कि लेप्रसी की किस्म है जिस जो हाईली पॉजिटिव है, और जो स्पेशली नेजल म्यूकोसा है इसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर एक दफा ये नोज ब्लो करे तो मिलियन के हिसाब से जर्म जो है शंट आउट कर सकता है जो दूसरों के लिए मसला बन सकते हैं। इस तरह की डिफॉर्मिटी बनेगी लेप्रसी के अंदर, ये देख रहे हैं इस तरह की डिफॉर्मिटी जो है वो बनती है। अच्छा लेप्रसी में सर्जरी भी हो सकती है, अगर खुदा ना खास्ता आंखें बंद नहीं होती तो फिर सर्जरी के जरिए उसको खोला और बंद किया जा सकता। अच्छा ये वो नर्व है जो लेप्रसी में इन्वॉल्व होती है, अच्छा कॉम्प्लिकेशन देखें, मेड्रोसिस है, लॉस ऑफ आईब्रो, लेगोथेलमस मरीज की आंख जो है वो बंद नहीं होती, डिप्रेस नोज है, नाक बैठ जाती है, अब देखेंगे भी हैंगिंग लोब्स है, रिंकल्स ऑन द फेस, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है। इसे जरा हाथों में देखें, एनेस्थेटिक हैंड्स,
क्ला फिंगर्स बिल्कुल मुड़ जाती है, स्टिफ जॉइंट बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं, जख्म बनते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हाथ और पांव छोटा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह फीट में ये चीजें जो है वो हमें नजर आएंगी। लेप्रोसी की ट्रीटमेंट को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि लेप्रोसी की ट्रीटमेंट जो है वो व्हाइट पैचेस के लिए 6 मंथ की है और रेड पैचेस की जो है वो 1 साल की है, क्योंकि रेड पैचेस में बैक्टीरिया का लोड जो है वो ज्यादा है। लेकिन शर्त यही है कि मरीज को बर वक्त हमारे पास आ जाना चाहिए। अगर देर करेगा तो फिर डिफॉर्मिटी जो है वो प्रॉब्लम है, डिफॉर्मिटी जो है उसका मुकद्दर है। इसलिए अगर हम पेशेंट को डिफॉर्मिटी से बचाना है तो उसका अर्ली स्टेज पे पहुंचना जो है बहुत जरूरी है। अगर अर्ली डिटेक्शन करते हैं, अर्ली उसको हम सेंटर तक पहुंचा देते हैं, तो यकीन जाने उसको कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि कभी उसको जिंदगी में लेप्रोसी हुई थी। लेकिन क्योंकि मैंने बार बार यही कहता हूं कि लेप्रोसी को हम डिसफिगरमेंट से लेते हैं, चेहरा बिगड़ जाए, हाथ खराब हो जाए, तो इस वजह से उसकी पहचान जो है आमतौर पर करते हैं। लेप्रोसी की प्रिवेंशन भी है तो सबसे पहले यह है कि अर्ली डिटेक्शन करनी है आपने, ठीक है, और उनको 3 ड्रग्स खिलानी है, जो कॉन्टैक्ट एग्जामिनेशन यानी जो मरीज के रिलेटिव है उनका एग्जामिनेशन भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 40% से ज्यादा केसेस हमें कॉन्टैक्ट से ही मिलते हैं। उसके अलावा एक और चीज जो है वो BCG का टीका है, BCG वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10-20% जो है वो इससे प्रिवेंशन हो फैक्टर से आएंगे। तो देख रहे हैं, मैंने सवाल किया था, आप पूछे उनसे कि आप अपने इलाज के लिए यहाँ आई हैं या वैसे ही आएंगे, बात करें तो आपको बात करनी मुझे। पेशेंट भी कम है, ज़्यादा नहीं है इतने, और वैसे भी अब वो कुछ होता नहीं है, सिर्फ ये पेशेंट रेटर आजकल नट बंद आंखों के लिए काम करता है। हमारे पास आई सर्जरी होती है, क्योंकि हमारे पास क्योंकि पेशेंट कम है तो इसलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास मदर एंड चाइल्ड है, आई प्रोग्राम चलता है, मजदूरों का चलता है, TB चल रही है, तो इस चंद मरीजों के लिए तो नहीं, अभी 3 मरीज आपने देखे फीमेल वार्ड में, तो इसी तरह 15-16 जो है वो सेकेंड फ्लोर पे होंगे, इसी तरह कुछ इस फ्लोर में होंगे, तो इन 20-25 मरीजों के लिए तो इतना बड़ा खड़ाक नहीं किया जा सकता। क्या कहते हैं आप लोग, हैं, इनको साथ तो रखा जा सकता है लेकिन इनसे प्रोग्राम नहीं चल सकता, क्योंकि 157 सेंटर, 11 पूरे कराची में सेंटर, ये हॉस्पिटल, तो उसको चलाने के लिए जरूरत है कि कुछ और भी शुरू किया जाए। ठीक है, वो ये है कि पेशेंट को हम कहते हैं कि अपने हाथ की जो हम जिस फिंगर को हम चेक करना चाहते हैं इसको बाहर की तरफ करें, ठीक है, पेशेंट इसको अपने फुल रेजिस्टेंस के साथ बाहर करेगा, हम अपनी उसी फिंगर के साथ इसको रेजिस्ट करके अंदर की तरफ करेंगे। अगर इसकी ROM पूरी है, इसका मसल सही एक्टिवेट है, ठीक है, उसके अंदर जर्क सही आ रहा है, तो ये Grade 5 में है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, 4 में होगा ये बाहर जाएगा, लेकिन जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसको सही तरीके से बेयर नहीं कर पाएगा बल्कि अंदर की तरफ चला गया, तो Grade 4 के रहेगा। 3 में होगा ये बाहर तो जाएगा लेकिन इस पर कोई भी फोर्स आप लगाएंगे तो उसको बेयर नहीं कर पाएगा, ठीक है, बिल्कुल लाहर होगा, तो ये Grade 3 होगा। 2 में ये होता है कि 45 डिग्री अब्डक्ट होती है, जब पेशेंट को बोले कि बाहर करें तो इनकम्प्लीट ROM होगा, उसकी रेंज पूरी होगी तो Grade 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 में मसल फ्लिक करेगा लेकिन एक्शन नहीं होगा, 0 में मसल पैरालाइज हो जाएगा। इसी तरीके से हाथ और पांव की तमाम जितनी भी सप्लाईज है उनको हम चेक करते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्सरसाइज का फेस, एक्सरसाइज टोटल हमने हाथ की 4 रखी है और 4 ही पांव की है, अगर पांव में भी 2 नरम चेक करते हैं, ठीक है, उसका भी टेस्ट करने का तरीकेकार यही है, ठीक है। पहली एक्सरसाइज है हाथ, पेशेंट के हाथ को हम इस तरीके से रखाते हैं, इसे हम कहते हैं लुम्ब्रिकल पोजिशन, ठीक है। हमारे हाथ में यहाँ पर लुम्ब्रिकल मसल्स होते हैं जो कि अल्ना नर्व की सप्लाई है, जब ये वीक होते हैं इसके बाद जो हमारी फिंगर्स होती हैं वो क्लाइंट पोजीशन में आती हैं, इंस्टेबलाइज होती हैं, ठीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहली एक्सरसाइज है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और फिर उसको रिवर्स पोजीशन में आपने दोबारा करना है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, स्लो एंड स्टडी 20-30 रिपीटेशन जितनी पेशेंट आसानी से कर सके, ठीक है। पहली एक्सरसाइज
दूसरी है हाथ को सीधा रखेंगे, एक एक डिजिट को आपने फ्लेक्स करना है, ठीक है, रुकना है थोड़ा सा, फिर आपने दोबारा रिवर्स पोजिशन में इसको आपने दोबारा किया दो एक्सरसाइज, ठीक है, सेकेंड। अब थर्ड जो है इसको अबडक्ट करना है, पूरे हाथ को आपने इसे फैलाना है, फिर इसको अडप्ट करना है, ठीक है, तीन। और चौथी जो है वो है थंब रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इसमें आपकी दोनों नर्व जो है वो कवर हो रही है, अगर मीडियन है तो भी और अगर आपकी अलर है तो भी, ठीक है। इसके अलावा जो पॉमे होता है उसमें भी दो नर्व हमारी जारी होती है, ठीक है, तो उसकी भी चार एक्सरसाइज है, ठीक है। पहली जो एक्सरसाइज है पॉम को पूरा ऊपर लेकर जाएंगे, डोर्सिफ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन, रोकेंगे थोड़ा सा, जितनी स्लो स्टडी करेंगे तो जो आपका एक्चुअल मसल है वो काम करेगा, अगर आप फास्ट करेंगे तो आपका ग्रुप ऑफ मसल काम करेगा, जिस मसल को मच नीडेड एक्सरसाइज की वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। पहली एक्सरसाइज, दूसरी जो है इवर्जन क्लॉक वाइज रोटेशन इन, और चौथी जो है वो होती है आर्च बिल्डिंग, पेशेंट के पाँव को ऐसे बेयर फिट करवा के पेशेंट को बोलेंगे अपने पाँव को नीचे रखे और अपनी आर्च को ऐसे पाँव को पूरा जो है इसको स्ट्रेच करे, बंद करने की कोशिश करे, इसको होल्ड करे और फिर इसको, ठीक है। ये चार एक्सरसाइज हैं पाँव की भी और हाथ की भी। इसके अलावा हमारे पेशेंट को कोई भी इशू हो जाता है फिजियो के हवाले से, बैक की कोई आती है, सर्वाइकल हो जाती है, लंबर स्टेनोसिस वगैरह होता है, तो उसकी भी जितनी भी ट्रीटमेंट है हमारी कोशिश होती है कि यहाँ से इनको प्रोवाइड की जाए। जी सर, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारा ये वीडियो अच्छा रहा। अच्छा, मैं चाहूँगा आवाम को लास्ट मैसेज आप कुछ दें कि जो लोग आप देखिए, मैसेज तो मैंने जैसे अभी आपको जिक्र कर रहा था या बात कर रहा था आप लोगों से कि लेप्रसी का सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज पहले तो ये है कि लोग लेप्रसी से नफरत करते हैं, सही। तो सबसे पहले आम लोगों के लिए पैगाम ये है कि लेप्रसी को एज ए बीमारी जो है वो डील किया जाए। बिल्कुल, सबसे पहले हमें इसको कहना है कि ये बीमारी है, और जब हमें पता है कि ये बीमारी है तो फिर इसका इलाज हमारे पास मौजूद है। तो इलाज के लिए जितनी जल्दी आप आएंगे यकीन जाने उतनी जल्दी ठीक होंगे, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कभी जिंदगी में आपको जिजाम लेप्रसी या कोढ़ की बीमारी हुई। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।